हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में अनसॉल्व पेपर 2018 और 19 के 24 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं 25, 26 और उसके बाद पूरे अपने 30 तक के जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं, 3 नंबर वाला हमारा एक क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको ईजी वे बता दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, इनको आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो हमारे 25th वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। देखो इसमें लिखा है अ वेजल इन इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, माउंटेन बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, एक हमारा कोई बर्तन है वो खोखले अर्धगोले, यानी हेमिस्फीयर को हम अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक सिलेंडर को क्या कर रखा है, रख रखा है, ठीक है। जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर जो हमें दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और टोटल हाइट ऑफ द वेजल्स हमें 13 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेजल्स, यानी हमें इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेजल का हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 25 वाला। तो सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ें दे रखी हैं हम वो लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखो पहले एक काम करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको हेमिस्फीयर बोला है तो आप सबसे पहले हेमिस्फीयर को ड्रॉ करिए, हेमिस्फीयर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। पेन भी थोड़ा चल नहीं रहा ढंग से, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, और इसी के ऊपर क्या कह रहा है, हमने क्या रख रखा है, एक सिलेंडर को क्या रख रखा है, रख रखा है। यानी जब उसी के ऊपर रख रखा है तो हमारा जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही हमारा सिलेंडर का भी डायमीटर हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यानी अब ये हमारे डायमीटर जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा दे रखा है, ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, रेडियस हमारी क्या होती है, सेंटर पॉइंट से नापी जाती है। तो यहाँ से रेडियस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी आपके सामने, मैं यहाँ एरो से दिखा देता हूँ, यानी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो जब हमारी इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की रेडियस भी हमारी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे कहता है वो पूरा वेजल्स जो है हमारा पूरा बर्तन जो है जिसमें हमारा हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों काउंट हो रखे हैं, उस पूरे की हाइट हमारी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। एक चीज़ आप देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्स में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस तरीके का कोई अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो आपका हेमिस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होती है उसकी हाइट के बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज़ का आप सबसे बड़ा ध्यान रखेंगे, जो हेमिस्फीयर होता है हेमिस्फीयर की जो हाइट है वही उसकी क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है। या आप कह सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वही उसकी हाइट के क्या होती है, इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, जो हेमिस्फीयर की जो आपकी हाइट है यानी इतने पोर्शन की ये वाली जो आपकी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है, जो हमें गिवन चीज़ें हम उनको लिख के क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो गिवन चीज़ें हम उनको लिखते हैं फटाफट, यहाँ देखिए लिखेंगे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो हेमिस्फीयर का डायमीटर इतना दे रखा है तो रेडियस आपको पता ही है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है, हमारा रेडियस हो जाता है। तो रेडियस आपका हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है, डायग्राम में मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेजल्स लिखेंगे हम, टोटल हाइट ऑफ वेजल इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिलेंडर की हाइट फाइंड करना चाहें, सिलेंडर की हाइट आप अगर निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर की हाइट आपकी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h इज इक्वल टू, आपको देखो टोटल वेजल्स की हाइट हमारी 13 है, नीचे हेमिस्फीयर की हाइट को हम माइनस कर देंगे, आपका 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सिलेंडर की आपकी हाइट आ जाएगी। अब इसके बाद उसने हमसे बोला है कि इनर सरफेस एरिया हमने क्या निकालना है, वेसल्स का हमने निकालना है। तो आप देखिए इनर सरफेस एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे, इनर सरफेस आप लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे, हम अलग अलग सेपरेटली नहीं निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसको ईजी वे में करवा रहा हूँ। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें इन दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकालना है, बाद में हम क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे इनर
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या लिखेंगे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ठीक है, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया एक क्या कहते हैं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लगा के इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ हमारा क्या सिलेंडर का क्या होगा 2πRh ठीक है, प्लस और हमारा हेमिस्फीयर का जो क्या होता है इनर कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारा कर्व सॉरी कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा हमारा 2πR² ठीक है, स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4πR² होता है, हेमिस्फीयर का होगा 2πR² ठीक है। इजीली हम अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से अगर आप चाहें तो 2π को कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, पर आप रहने दीजिए हम डायरेक्टली इनको सोल्व कर लेते हैं अलग अलग, हमारा आंसर सही आ जाएगा उससे। देखो पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, हाँ एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोल रखा है तो आप पाई की वैल्यू 3.14 लेके ही सोल्व करना, नहीं तो आपका एग्जामिनर आपका आधा ही एक नंबर काट सकता है ठीक है, इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे ठीक है। पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही है जो सिलेंडर की हमने निकाली है हेमिस्फीयर उसकी दोनों की रेडियस सेम है, हाइट जो है आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी ठीक है, हाइट हमारी क्या आ गई सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे 2 × π की वैल्यू 22/7 × r आपका 7 फिर r इंटू 7 यानी r का स्क्वायर है तो हमने 7 अलग करके लिख दिया, यहाँ पे 7 से 7 को आप इजीली कट कर देंगे, यहाँ से 7 को आप इजीली कट कर देंगे, 22 के आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 6 प्लस यहाँ पे 7 × 22 कितना आ जाएगा 44 × 7 देखो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 6×4 = 24 होता है, कैरी आपका 2 लग जाएगा 6×4 = 24 × 26 प्लस 7×4 = आपका कितना 28 कैरी आपका 2 यानी 308 आ गया है। अब आप इजीली इन्हें ऐड कर सकते हैं 8×4 आपका 12 हो जाएगा, 6×1 आपका 7 और 5×3 = 5 हो जाएगा, इसलिए आपका जो एरिया आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 572 cm² आ जाएगा। इस तरीके से आप इजीली इनको दोनों को एक साथ ऐड करके भी आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आसानी से मैंने समझा दिया है, आपको जरूरी नहीं है कि आप इनका सेपरेट सेपरेट इनका वो निकालें। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अपना 26 वाला जो क्वेश्चन है, 26 वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या बोल रहा है मैं आपको यहाँ रीड करके दिखा देता हूँ, तो उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टील वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनवर्ड टू द सेम स्पॉट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी क्या कह रहा है, अगर एक मोटर बोट की जो हमारी जो स्टील वाटर में जो स्पीड है वो हमारी 18 km/h है, अगर क्या कहते हैं अगर वो जो हमारी क्या कहते हैं ना बोट है अगर वो अप स्ट्रीम में यानी जो हमारा पानी जिस तरह बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी स्पीड हमारी क्या है सॉरी जो हमारी क्या कहते हैं पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसमें हमारा कितना डिस्टेंस कवर करिए 24 km का डिस्टेंस कवर करिए कब अप स्ट्रीम में ठीक है। अप स्ट्रीम में जाने में क्या है जो डाउन स्ट्रीम में जाएगी उससे एक घंटा का टाइम क्या है यानी एक घंटे का टाइम वो क्या कर रही है ज़्यादा ले रही है, तो हमें बताना है कि धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारी क्या होगी यानी जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड हमारी क्या होगी ठीक है। तो आइए देखो इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं हम, अनसॉल्व पेपर आप सब पे ही है आप उसमें इजीली पढ़ के भी आप वो कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे लेंगे लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम या ऑफ द स्ट्रीम आपको जो सही लिखे आप अपने उसमें लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू हमने एक्स मान लिया है ठीक है। अब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर में जो हमारी स्पीड है वो हमारी कितनी है 18 km/h ठीक है, 18 km हमारी क्या पर आवर्स के हिसाब से है। फिर उसके बाद हम स्पीड ऑफ बोट जो है अप स्ट्रीम में देखेंगे, अप स्ट्रीम में यानी क्या होगा देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
जब आपका क्या होगा, मान लीजिए आपकी यहाँ पे एक नाव आपकी है, पानी हमारा इस तरफ बह रहा है, ठीक है। अगर आप पानी के साथ साथ अगर जाते हैं, पानी के साथ साथ अगर आप जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी पानी आपका नीचे की तरफ है और आप ऊपर की तरफ नाव को चला के ला रहे हैं, तो आपकी स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उस चीज़ से समझ जाना। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी क्या होगा, स्थिर स्टिल वाटर में जो नाव की स्पीड होगी उसमें से हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप स्ट्रीम हमारी स्पीड आ जाएगी, जब हम नाव को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हुए ले जा रहे हैं, यानी पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ले जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम डाउन स्ट्रीम के लिए भी लिख लेंगे। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, यानी पानी के साथ साथ हमारी नाव जा रही है, तो यानी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। पानी के साथ साथ हमारी नाव जा रही है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप यहाँ प्लस लगाएंगे, आपने पहले ही देखो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो माइनस हो गए थे, यहाँ पे आप इसको प्लस कर लेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। मैं आपको पूरी लैंग्वेज इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पेपर में आ चुका है और इस क्वेश्चंस के आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दो हमारी इक्वेशंस टाइप की बन गई हैं। उसके बाद देखो हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड निकाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो नाव है वो टाइम कितना ले रही है, यानी अप स्ट्रीम में जब वो नाव जा रही है तो वो डाउन स्ट्रीम में जाने में जो टाइम ले रही है उससे एक घंटा फालतू ले रही है। यानी कोई नाव अगर अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है किसके, पानी के, तो वो डाउन स्ट्रीम यानी जो पानी के साथ जब नाव जा रही है उससे एक घंटा फालतू ले रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस वन, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में जब नाव जाएगी और जब अपस्ट्रीम में जाएगी तो अपस्ट्रीम में जब नाव जा रही है तो डाउनस्ट्रीम में जाने से एक घंटा फालतू ले रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे पता ही है टाइम का फॉर्मूला, आप लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मैं आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ। आप यहाँ अपस्ट्रीम है तो यहाँ आप लिख लीजिए साथ में, और यहाँ डाउनस्ट्रीम है तो आप यहाँ डी डाउन लिख लें और यहाँ पे एस डाउन लिख दें, ठीक है। प्लस वन आपका साथ में रहेगा। आइए हम सेकंड पेज पर आ जाते हैं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, आप यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखो स्पीड आपकी, देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो आपका कवर हो रहा है पूरा 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है वो 18 माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ पे 24। और जो आपकी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो आपकी कितनी है, 18 प्लस एक्स है, प्लस वन आपका ऐसे ऐसे रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगा लेंगे, पहले आप इसको एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे दोनों तरफ हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। 24 यानी 18 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 18 माइनस एक्स। एक चीज़ का मैं आपको ध्यान बता दूं कि आप जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इसके साथ आ जाएगा, 18 प्लस एक्स। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस एक्स की, तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे, 1 से भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आपको 1 से भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस एक्स, क्योंकि 18 प्लस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई, तो 18 प्लस एक्स आ गया। उसके बाद जब इसकी आप 1 से 1 18 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका यहाँ चला गया है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 की 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 फोर जा 72 कैरी लग गया, 7 18 टू जा आपका हो गया 36, और 7 आपका हो गया कितना, 43। यहाँ पे 432 प्लस
यहाँ पे आप लिखेंगे 24x इज इक्वल टू, आप यहाँ दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 432 माइनस 24x प्लस 18 जो आपका 324 हो जाता है। फिर आप यहाँ पे 18 की माइनस में करेंगे तो आपका माइनस 18x आएगा। यहाँ पे आप x की 18 से करेंगे तो प्लस का 18x आएगा। x की आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चाहें तो आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप इसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसे आप एट प्लस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, इधर भी ये 432 पॉजिटिव है, इधर भी इज इक्वल टू के इस तरफ 432 का पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अब आपके जो नंबर बचे हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 324 है, तो आप यहाँ पे देखिए 24 आपको पॉजिटिव है, तो आप इस माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करिए, आप इसको इस तरफ ले आइए, तो ये आपका कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 24 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, आपका 324 आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ आके आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आपको एक क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मिल गई, आप जिसके फैक्टराइज आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो फैक्टर आपको करने मैंने सिखा रखे हैं, पर मैं इसके फैक्टर आपको डायरेक्टली लिख के दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 24 आपको माइनस करके कितना 24 आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखिए माइनस 424 मैं ऐड करना भूल गया हूँ, ये 24 जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ 48x आ जाएगा माइनस 324 हो जाएगा। ये माइनस 24 मैंने ध्यान नहीं करा, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 324 आए, आप उसको माइनस करके कितना लेंगे, 48x आपका आना चाहिए। तो आपके नंबर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होंगे, आपके नंबर होंगे क्या कहते हैं 54 माइनस 6 यानी 54 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आप जब 54 में से 6 को माइनस करेंगे तो 48 आपका आ जाएगा। मैं फटाफट इसके फैक्टर लिख देता हूँ, देखो बाहर पॉजिटिव है, साइन पे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, साइन में आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक बार एक्स प्लस 54 लिखिए, फिर माइनस 6 इसमें से कॉमन लीजिए, फिर आप एक्स प्लस 54 लिखिए इज इक्वल टू जीरो, आपका एक आ गया एक्स माइनस 6 और एक आ गया आपका एक्स प्लस 54 आ गया है। तो आप देखो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स इज इक्वल टू 6, आपका एक तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू आपका और आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 54, यहाँ देखिए स्पीड आपकी माइनस में नहीं हो सकती तो आप इस वाले को आप नहीं लेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड इसकी निकल के आ जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की आपकी स्पीड निकल के आ गई है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका काफ़ी ईजी है जो और में दे रखा है, अगर आप कहें तो मैं उसे कर देता हूँ, अगर नहीं कर पाएंगे चलो मैं कर ही देता हूँ, फिर आपको खाली कन्फ्यूज, 2 मिनट लगाएंगे हम इसमें, ज़्यादा टाइम लगाएंगे फटाफट। देखो इसमें कोई ऐसा वो नहीं बोल रखा है हमें, इसमें क्या और वाले क्वेश्चंस में हमें क्या है फटाफट कर लेते हैं हम, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा भी हो जाता है तो आपको देखने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अब हमारे सिर्फ इसके बाद 2 क्वेश्चंस बचे हैं, एक हमारे स्टैटिक्स का है और एक हमारा क्या है जो हमारा सरफेस वॉल्यूम वाला चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, हम उसका एक हमारा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस के बाद हमारा ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो और वाला है। देखो इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू आपको -2 हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है इसे, ठीक है, यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं इसी पन्ने में, हम इसे फटाफट लगा लेंगे, बस 2 मिनट में हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैं देखो तेज बोलता रहूँगा, फटाफट देखेंगे। देखो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 1/x है यानी इसके साथ आपका 1 होगा, 1/ के साथ अपॉन में क्या आएगा, एक्स आएगा, तो आप यहाँ पे सपोज करेंगे सॉल्यूशन में लेट 1/x इज इक्वल टू आप a ले लीजिए, b ले लीजिए p ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आपका 1/x इज इक्वल टू हमने a ले लिया है और 1/y इज इक्वल टू हमने b ले लिया है, तो इसी इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस किस तरीके से बन के आएंगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस हम चल लेते हैं। ठीक है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी बन के आएगी 5a
माइनस फोर बी इज इक्वल टू माइनस टू। देखो आपको क्या करना होगा, अब अगर आप इलिमिनेशन से सॉल्व करें, इलिमिनेशन मेथड से, तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करिए, ऊपर वाली इक्वेशन को फोर से, नीचे वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या ऊपर वाली इक्वेशन को फाइव से, नीचे वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके ए ए बराबर हो जाएंगे। अगर ऊपर वाली को फोर से और नीचे वाली को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो बी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके वेरिएबल्स बी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या करिए, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाली लिख रहा हूँ, आप वो लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ऊपर वाली को फोर से और नीचे वाली को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन को थ्री से और इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से सामने, देखो आप मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को करेंगे, इज इक्वल टू वाले नंबर, इधर वाला जो नंबर होगा हम उसको भी क्या करेंगे, आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसके बाद देखो, फोर टू जाए एट हो गया, फोर थ्री जाए आपका ट्वेल्व भी हो जाएगा, और फिफ्टीन थर्टीन फोर जाए आपका फिफ्टी टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आसानी से देखेंगे हमारा क्या है, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन ए हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस ट्वेल्व भी हो जाएगा, इज इक्वल टू आप देखेंगे थ्री टू जो माइनस सिक्स हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ अपोजिट साइन दिख रहे हैं बी बी के, तो आप इसको क्या करिए, पूरी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब आपको यहाँ सेम सेम साइन दिख रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए करिए, और जब आपको अपोजिट साइन दिखे तो आप हमेशा क्या करिए, एडिशन कर दिया करिए। तो देखो आप इन दोनों को एडिशन करेंगे तो आप ये प्लस ये माइनस रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ट्वेंटी थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों का आपको ये प्लस का ये नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल, 52 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो 46 अपॉन 23 यानी कैंसिल करके 2 आ जाएगा, यानी ए इक्वल टू आपका 2 आ गया है, ठीक है। आप ए की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए की जो वैल्यू आपकी आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में क्या करिए, आसानी से पुट कर दीजिए, आपकी किसकी बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं आप पुटिंग द वैल्यू ओ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इंटू टू प्लस ट्वेल्व इंटू बी, आप चाहें तो छोटी वाली में भी रख सकते हैं, मैंने इनमें जो नई इक्वेशन बनाई है इन्हीं में रख दिया है, बी इज इक्वल टू 52, 18 टू जो आपका कितना 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 52, तो 12 बी इज इक्वल टू 15 टू माइनस 16, ठीक है। तो 12 बी इज इक्वल टू 12 में 6 गया 6, ठीक है, 4 में से 1 गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू आपका देखिए 12 से आप 36 को 3 बार कैंसिल कर दीजिए, बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई है। इस तरीके से आपकी बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 3 आ गई है। हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे, अब इनको हम चेंज कर लेते हैं। आपने देखो क्या माना था, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और b इज इक्वल टू आपने माना था 1 अपॉन वाई, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू आपकी 2 आ रही है और ये आपका 1 अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा, b की वैल्यू 3 आ रही है तो ये आपका 1 अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप x को इस तरफ ले जाए, 2 को अपॉन में ले आएंगे, तो इंटरचेंज करने पे आपका x का वैल्यू 1 अपॉन 2 और y का वैल्यू 1 अपॉन 3 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन क्या हो गई, पूरी सॉल्व हो गई है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ अनसोल्व पेपर में हम देखेंगे अपना 27 वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। 27 वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। हमें इसे कह रहा है कि हमारा जो है सॉरी कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से जो हमारा एक एलिवेशन एंगल बन रहा है कहाँ पे, टावर के फुट पे, वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी जो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी टावर की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर हाई दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की क्या निकालनी है, हाइट हमने निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखो उसने टावर की हाइट हमें गिवन कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले टावर एक बना लेते हैं। यहाँ पे हम इजीली एक टावर बना ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर आपका कितना है, 27 है। देखो हमने यहाँ इजीली एक टावर बना लिया है, टावर की हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है, ठीक है। वो कह रहा है टावर के टॉप से, ये हमारा टावर का टॉप है, इससे जो हमारा एंगल बनेगा कहाँ पे, बिल्डिंग के फुट पे, बिल्डिंग का फुट हमारा, एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी होगी,
बिल्डिंग की हाइट हमें पता नहीं है, तो हम बिल्डिंग को थोड़ा टावर से छोटा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके हमारा एक एंगल बन जाएगा, वो एंगल जो एलिवेशन एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है, और जो बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट का जो एंगल बनेगा आप स्केल से खींचेंगे तो लाइन आपकी सीधी आएगी, कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। तो आप बिल्डिंग के हाइट को पूरा क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, चाहे तो इनका नामकरण कर दो आप, ठीक है, आपने इसका नामकरण कर दिया है। अब देखो दो ट्रायंगल आपके बन के सामने आ गए हैं, तो आप देखो आप क्या कर सकते हैं, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, फिर आप बेस निकाल दीजिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ खाली एक्स लिख दिया, आप बीसी रहने दीजिएगा बेस को, ठीक है। मैंने एक्स को हाइट मान रखा है, तो हाइट को अगर एच मान लें तो इसको आप एक्स मान सकते हैं बिल्कुल। तो हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम 27 का सोल्यूशन करेंगे हम फटाफट, लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा हमारा बनेगा। देखो पहले डीबीसी को सॉल्व कर लेते हैं, डीबीसी इन ट्राइंगल डीबीसी में, तो डीबीसी में हम क्या देखेंगे, हमारा टेन थीटा लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन के लिए यूज होता है, तो टेन 60 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डीसी अपॉन बीसी, ठीक है। टेन 60 की जो वैल्यू होती है आपको पता ही है कितनी होती है, टेन 60 हमारा साइन 60 अपॉन कितना हो जाएगा कोस 60, कोस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको यहाँ से टेन 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। डीसी की वैल्यू आपकी 50 है और बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बीसी को आप इस तरफ रखिए और √3 को आप अपॉन में ले आइए, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए आप अगेन लिखिए, अगेन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या करेंगे, टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो आपने यहाँ से इसको 1/√3 मान लेना है। आपको क्या कहते हैं, ए बी की हाइट आपको पता नहीं है, आपको बी सी की हाइट आपको यहाँ पे बी सी आपको मिल चुका है, कितना √3 आ गया है, ठीक है। आप इसको पूरे को ले जाएंगे उस तरफ, तो आपका ये किस तरीके से ए बी इज इक्वल टू आप इधर ले जाएंगे, देखिए मैंने ए बी को इस तरफ यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस वाली साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इंटू 1/3, ठीक है, √3, तो आप √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हो गया दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, √3 से √3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। आपका आंसर ये आ चुका है, इतने मीटर में आप इसे लिख सकते हैं, या और करके आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपके ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो आप पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं 3 से इसे डिवाइड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वाला क्वेश्चन, मोड निकालने वाला, ठीक है, मोड निकालने वाला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम अपने वीडियो को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखो हमारा 30 क्वेश्चंस है, ठीक है, इसके बाद हमारे वैसे तो हमारा वॉल्यूम वाला क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है, चलो वो तो आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको मेथड बता दूंगा उसको करने का। हम देखते हैं 30 वाला क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ टेबल बना हुआ है, टेबल आप सबके उसमें बना होगा, ठीक है, तो उससे आप इजीली आप टेबल को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा हमें गिवन कर रखा है, इसका हमने क्या करना है, मोड फाइंड करना है। मैं फटाफट आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, ये बस इतने से एरिया में ही सॉल्व हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नोटबुक को ऊपर कर लेते हैं आसानी से, जो हमें दिक्कत ना पड़े। देखो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, क्लास इंटरवल इंटरवल अपॉन अपॉन कह रहा हूँ, आगे जो लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस देखो मोड के लिए आप लाइनें स्केल से खींचेंगे तो अच्छी खींचेंगी आपकी, ठीक है। अब मैं हाथों से फटाफट कर रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, उससे आप वो घबराइएगा नहीं, ठीक है। 20 थोड़ा ब्लर सा हो रहा है यार ये, इजी देखते हैं इसे, ठीक है। देखो 20 से कहाँ तक आ गया, 40, उसके बाद आप देखेंगे कितना 40 to 60, ठीक है, 60 to 80, फिर उसके बाद 80 to 100, उसके बाद 100 to 120, ठीक है, आपने लिख दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं हम, 10, 35, 52, 61, उसके बाद आपका 38 and 59। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को मोड निकालना नहीं भी आता है तो वो यहाँ पे आसानी से उसको सीख सकता है, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा निकालना। देखो मोड निकालने के लिए क्या होता है, आपको जिन जिन नंबरों की ज़रूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। देखो फॉर्मूला आपको होता है L F1 माइनस
एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन, ठीक है, माइनस टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू, ठीक है, इंटू एच। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन कर रखी है उनको रखेंगे तो हमारा ये सोल्व हो जाए। एल जो यहाँ पे होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, क्लास इंटरवल में जो हमारी लोअर लिमिट होगी उसको हम लेंगे, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा आप कैसे लेंगे। देखो एफ वन आपने क्या देखना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एफ वन होगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा एफ वन, उससे जस्ट ऊपर वाला आपका एफ ज़ीरो, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे वाला आप क्या लिख सकते हैं एफ टू ले सकते हैं। देखो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एफ़ वन को एफ़ वन रहने देते हैं और एफ़ ज़ीरो को एफ मान लेते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई हमारा दिक्कत वाली बात नहीं है। या वो क्या करते हैं एफ़ वन को एफ मान लेते हैं, ऊपर वाले को एफ़ वन मान लेंगे, नीचे वाले को एफ़ टू मान लेंगे, वो भी आपका ठीक है। जैसा आपको ठीक लगता है आप अपनी समझ से कर सकते हैं, बट आप अगर इस सीरीज से करें एफ़ ज़ीरो एफ़ वन एफ़ टू तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एन सी आर टी बुक में भी इसी तरीके से फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे आप एफ़ वन के सामने की जो लिमिट होगी, एफ़ के सामने आपके लिए क्लास इंटरवल में 62 कितना देर का 80, ये वाली लिमिट आपकी अपर लिमिट होती है, ये वाली आपकी लोअर लिमिट होती है, यानी L1 आपका ये हुआ, L2 आपका ये हुआ, ठीक है। L1 आपका ये हुआ, मैं देखो हाथों हाथ आपके सामने वैल्यू रख रहा हूँ और हाथों हाथ इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। L1 की वैल्यू आप देखो यहाँ 60 रखेंगे, F1 की वैल्यू आप 61 रखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, हाथों हाथ सोल्व भी कर रहे हैं, खाली समझाने में हम क्या करें टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट इसे सोल्व भी कर लेंगे। 2 इंटू 61 माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू आपकी कितनी 52 माइनस एफ टू की वैल्यू आपकी कितनी है 38 इंटू। अब आपको h पता करना है, आप h कैसे निकाले, h जो होता है हमारे क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। देखो हर किसी में आप डिफरेंस देखेंगे 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, यानी हर एक के बीच में आपको कितना डिफरेंस आ रहा है, आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 20 का डिफरेंस आ रहा है, यानी h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि l इतना है f इतना है, मैंने डायरेक्टली आपके सामने सामने बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ h की वैल्यू आपकी 20 हो गई है, ठीक है। L1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, F1 F0 आपके सामने है और फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया। फटाफट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 60 प्लस 61 में से आप 52 को माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 6 12 माइनस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 8 2 10 5 और 5 4 3 8 और 1 9 हो जाएगा, इंटू आपका 20 रहेगा, ठीक है। आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आप देखो एक बार इसे माइनस करिए 11 टू 9, हाँ ठीक है ये तो ठीक है, 9 के आप 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा आपका, और आप यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो वह खाली 32 आपका आ जाएगा। आप चाहें तो इसे 4 से भी डिवाइड करके और छोटा भी कर सकते हैं, पर आप क्या करें आप इसको हाँ कर ही लेते हैं छोटा, फिर क्या पता और आसान हो जाए। देखो यहाँ से 4 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4 4 16, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है, और 4 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो आपका 8 बार आसानी से कट हो जाएगा, तो 8 से हम अब क्या करेंगे 45 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 18 5 से आपको 40 हो जाएगा, 18 5 से आपको 40 पॉइंट लगाएंगे आप, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लगाने के बाद ये 50 हो गए, 18 से 8 6 आपको 48, फिर आपका 2 बढ़ जाए, इस तरीके से आप इसे पूरा इजीली क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो आपका यहाँ देखो 60 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद आपका रहा है 5.625 आ रहा है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका मोड बिल्कुल ईजिली आपके सामने आ जाएगा, तो आपका ये मोड आपका फाइंड होके आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2018 के लगभग यानी एक या दो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन और ट्रायंगल वाले को छोड़ के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वो जो आपका मैंने वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चंस छोड़े हैं वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, आप उनको एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं, बुक्स के ही क्वेश्चन हैं, कोई बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो उसको आप ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको वो भी क्या करके सॉल्व करके दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद हम अपने आगे वाला प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।